नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। भाजपा के नेताओं का लगातार कौशाम्बी का दौरा जारी है। सीएम योगी के बाद अब गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भरवारी के केपीएस कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा शासनकाल में बिजली 24 घंटे देने का काम किया, संपूर्ण गांव में रोड बनवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ना मुस्लिम लड़ेगा ना हिंदू लड़ेगा, सब विकास के लिए लड़ेंगे, मतदान सोच समझ कर करें। भाजपा के शासनकाल में राम मंदिर बनाने का काम किया गया। काशी में आज लाखों लोगों का आवागमन हो रहा है। जानकारी होते ही भाजपा के नेता सक्रिय हो गए। सपा में भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, विधायक संजय गुप्ता, शीतला प्रसाद पटेल, लाल बहादुर, भाजपा जिला महामंत्री संजय जायसवाल, धर्मराज मौर्य, सूरज यादव, पुष्पराज पटेल आदि मौजूद रहे। जनता का नाम था बुद्धि माता बहने सभी के भाइयों के सभी के चरणों में शीर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कौशाम्बी का हमारे आदरणीय केशव जी, नीति सीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सभी विधायकों ने बहुत विकास किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सड़कों का जाल, गाँव में हमने चीज बहुत विकास किया है। मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2022 का चुनाव जातिवाद का नहीं है, क्षेत्रवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद का नहीं है, परिवारवाद का नहीं है, वंशवाद का नहीं है। ये चुनाव मित्रों केवल राष्ट्रवाद का चुनाव है और राष्ट्र को मजबूती करने का चुनाव है। जब मैं परिवर्तन यात्रा लेकर निकला था 2017 में, तो मैंने कहा था कि गुंडाबाज में भ्रष्टाचार। आज मैं जनविश्वास यात्रा आपके बीच में आया हूँ आपका आशीर्वाद लेने के। मित्रों, मैंने कहा था कि सभी जो आते कर्ज माफी के हमें 24 घंटा लाइट दिया। पहले क्या स्थिति थी कि लोग बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो करंट आ जाता था। जब थका हुआ किसान घर में पहुंचता था तो बिजली का सफर नहीं देख पाता था, तो 10 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। योगी जी आते ही 24 घंटा लाइट देने का काम किया, मित्रों बिजली देने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएफटी लाइव।